अब हम एक और टाइप देखते हैं जीव की कि वो कौन सी है। सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये सॉरी पहले हम उसकी ना देख लेते हैं शेप किस तरह की होगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखें यहाँ पर और ये टिप, ये जीम की शेप है ये जो हम बनाने लगे हैं अभी। इसमें करना क्या है, ये जो है बेस लाइन ये होगी, ये यहाँ से लेके इसकी 12T जो है ये हाइट होगी इस जीम की, और यहाँ से नीचे अगर हम देखें तो ये कितना होगा, दिस इज़ इक्वल्स टू 1.5T, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टिप बनेगी कैसे, ये 2T के इक्वल होगी, जिसकी अब मेजरमेंट्स आप कर लें। 2T यहाँ पर कर लेते हैं हम, 2 × 4 = 8 cm। ओके तो ये डन हो गया। अब यहाँ पर ये जो था फासला ये 1.5T के इक्वल होगा, तो यहाँ पर अब हम इसको ड्रा करते हैं जिस तरह हमने शुरू पे बनाया था, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं ये। ओके स्टार्टिंग पॉइंट से हमने जो है वो डिस्टेंस लेना है, वो कितना होगा यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने इस पॉइंट से जो डिस्टेंस लेना है वो T/2 का होगा। ओके T/2 का हमने डिस्टेंस लेना है, आप यहाँ पर कह सकते हैं T/2 का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से हमने जो डिस्टेंस है वो लेना है T/2 का। ओके हमने T/2 का डिस्टेंस ले लिया। अब हमने इसकी हाइट देखनी है, वो कितनी थी, 48 cm, 1, 2, 3, 4 और ये 48। लाइन ड्रा करते हैं एक, ये लाइन ड्रा कर ली हमने, ये वाली सॉरी, ये इसकी हाइट होगी। अब हमने हाइट पे जाके तो क्या करना है कि यहाँ से तो हमने ये जो लिया था पॉइंट, यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता ये जो T/2 है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये ऊपर तक लाइन ड्रा कर ली ये वाली। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से लेकर ऑनवर्ड डिस्टेंस लेना है 3/7/8T का, और ये हमारे पास आएगा 15.5 cm। ओके यहाँ से लेकर आनवर्ड डिस्टेंस लेना हमने, वो हम ले लेते हैं कि वो कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये और 0.5 यहाँ तक, ये आपका डिस्टेंस आ गया, यहाँ तक हमने जाना है, ये आप लाइन ड्रा कर लें। ओके अब हमने करना क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर स्टार्टिंग में, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और हल्का बिल्कुल हल्का हल्का हम देते जाना है और यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। ओके ये हल्का हल्का हम देते गए और वहाँ तक गए, यहाँ तक जाना है, फिर इसको लेकर गए यहाँ तक, फिर आगे क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक लाइक सर्कल लाइक एक ड्रा करना है यूँ। ओके मैं तो यहाँ से ड्रा कर ली हूँ, अगर आप इसको कंपास से ड्रा करना चाहें या आपके पास कोई और सर्कल भी हो थोड़ा बड़ा तो आप वहाँ पर वो रख कर तो इसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये ड्रा कर लिया। अब हमने यहाँ पर देखना है हमारे पास जो टी था वो कितना था, 4 cm था ना, और स्केल से देखें तो 0 से लेकर 1 तक था। हमने यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक लाइन लगाई, यहाँ से भी हमने सेम जो हमने लाइन ड्रा की है उसके ऊपर रख कर तो हमने वो डिस्टेंस जो है वो चौड़ाई पूरी करनी है अपनी जो अभी हमने ली थी। ये यहाँ पर नीचे से भी करते हैं इसको,
ये यहाँ पर, यहाँ से ये ऐसे ड्रा होता गया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं आप आहिस्ता आहिस्ता। ये जो जीम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको हो सकता है इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। ओके यहाँ तक है, यहाँ तक। अब आगे क्या करना है आपने, यहाँ से जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1.5 टी, तो हमने वो ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक, यहाँ तक आपने जाना है। ओके यहाँ तक गए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है T/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक T/2 का डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ तक। यहाँ पर एक डॉट ड्रा करें और यहाँ पर यूँ एक डेकोरेटिव मोह ले आएँ, और यहाँ पर अगेन T/2 तक लेकर जाएं ऊपर और नीचे, यहाँ तक भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब ये हाइट और ये विड्थ दोनों, ये T/2 तक लेके जाएं 2 सेंटीमीटर। और फिर क्या करना है, इसको यहाँ से यूँ करके तो मिला देना है। तो दिस गेम इज़ रेडी। ओके अब हमने करना क्या है कि ये जो नीचे है ना, यहाँ पर एक टिप बनानी है 1.5 सेंटीमीटर की। तो नीचे हम ड्रा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हाइट होगी, और विड्थ कितनी होगी वो हम देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से लेकर 2 टी तक, तो 8 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक, यहाँ तक आपने लेके आनी है। तो करना क्या है कि यहाँ से ज्वाइन करनी है यूँ और फिर यूँ ऐसे एक कर्व सी बनानी है। तो ये जीम जो है ये रेडी। अब हम इसको नीट कर लेते हैं।